नीति वचन उसका 5 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ेंगे। जितने जवान हैं ध्यान से सुने, यहां पर लिखा है कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के हाथ वश में कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश, अब आप ध्यान से सुने, यश का मतलब होता है प्रतिष्ठा, जो आपने बहुत सारे लोगों के अनुकूल परिस्थिति में आपने इकट्ठा किया अपने जीवन के लिए। यानी आप में से बहुत सारे युवा होंगे जिनके माँ बाप ने बहुत सारी चीजें करने के बाद एक यश इकट्ठा किया है अपने जीवन के लिए, प्रतिष्ठा मान सम्मान इकट्ठा किया है। और जो एक युवा होता है उसका जीवन ही यश से भरा होता है। क्या जो नशे करता है उसको लोग कहते हैं, अरे यार बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बहुत गुड, अच्छा है, बहुत एकदम बढ़िया लड़का है, सुपर है, ला लाओ इसकी शादी मेरे लड़के से करवा दो। कोई कहेगा? नहीं करेगा। क्या कोई जो बेविचार में है उसको देख करके कि हाँ वो लड़की से बात करता है कॉल से, उसे कोई व्यक्ति बोलेगा अरे बहुत अच्छा लड़का है यार, भाई बहुत अच्छा लड़का है, आपका बेटा बहुत अच्छा है, मेरे रिलेशन में एक लड़की उसके साथ शादी करवा दे, बहुत अच्छा है, या फिर मेरे घर में इसको काम के लिए रख दीजिए, बहुत अच्छा लड़का है। क्या कहेंगे लोग? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी प्रतिष्ठा खो दी है, उसने अपना यश प्रतिष्ठा मान सम्मान दूसरों के हाथ में कर दिया है। उसने अपना जीवन क्रूर जन, क्रूर का मतलब समझते हैं, क्रूर व्यक्ति जो होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे मैं सारे नहीं कहूंगा परंतु कुछ लोग आपको क्रूर दिखेंगे दुनिया में, थोड़ी थोड़ी बातों पर बहुत गालियां देंगे आपको, थोड़ी थोड़ी बातों पर इतना श्राप आपके लिए बोलेंगे वचन जुबान से कि आप बोलोगे भैया कितनी बातें बोलता है। कुछ कुछ आपको महिलाएं मिल जाएंगे ऐसे, कुछ कुछ आपको पुरुष मिल जाएंगे, कुछ कुछ जवान आपको मिल जाएंगे, बोलते ही मारने के लिए तैयार। आप भली बातें बोले तब भी गाली देना चालू। आप बोलेंगे थोड़ा इसे आप सही से इधर से आया जाया करेंगे, थोड़ा आपकी गाड़ी से नुकसान होता है, थोड़ा आप अच्छे से करेंगे तो बढ़िया रहेगा, तब भी गाली। वो लोग क्रूर व्यक्ति हैं, क्रूरता भरी भरी उनके जीवन में, जुबान में श्राप, जुबान से गालियां, स्वभाव में लड़ाई झगड़े दंगे, नफरत भरा होता है। वो कभी भी आशीष नहीं दे सकते लोगों को, वो होता है क्रूर जन। और जब आप अपने जीवन को नशे में और व्यभिचार में लेके जाते हैं, इसका मतलब यह है नीति वचन 5 और 9 के अनुसार आप अपना यश यानी अपनी प्रतिष्ठा औरों के हाथ में यानी दूसरों के हाथ में दे दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये मैं अब नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं संभाल सकता, मैं इस जीवन में नहीं जी सकता, और अपना जीवन क्रूर जन के हाथ में दे रहे हैं। सबसे ज्यादा क्रूर है शैतान, शैतानी लोग जो आपको नशे में उकसाते हैं, जो आपको व्यभिचार के लिए उकसाते हैं, ऐसे लोग जो आपको लड़कों से बात करने के लिए, लड़कियों से बात करने के लिए आपको उकसाते हैं, ऐसे लोग जो आपके मां बाप के खिलाफ आपको उकसाते हैं, ये क्रूर लोग हैं। और आप कहां, आपका जीवन उनके हाथ में चला जाता है। आप अपनी युवा लाइफ को, अपने युवा जीवन के यश को बरकरार रखें और अपना जीवन क्रूर लोगों के हाथ में ना दें, उसे बचाएं, सुरक्षित रखें। क्यों करते हैं आप ऐसे लोगों की संगति? क्यों आप अपना ज्यादा टाइम उनके साथ व्यतीत करते हैं जो इस दशा में पाए जाते हैं? आप क्या चीजें आप उनसे सीख पाएंगे? आई डोंट नो अबाउट यू,
मैं नहीं जानता कि आपके बारे में कि आप क्या सीख पाएंगे उनसे, आप क्यों बैठते उनके साथ। कभी आपने सोचा कि वो मुझे क्यों, क्या प्रभावित कर रहा है? बहुत सारे मसीह युवा क्या करते हैं कि धीरे धीरे अपनी वो संगति ऐसे लोगों के साथ में करने लगते हैं जिसके कारण से उनके जीवन में वचन कम होने लगता है और ये सब चीजें उनमें प्रभावशाली होने लगते हैं। चौराहे पे बैठकर गपशप करना, दूसरे को देखकर कमेंट करना, आप ऐसों की संगति क्यों करते हैं जिसके साथ में बैठने से आपके मन में गलत विचार आना शुरू हो जाए, आपके मन में गलत बातें आनी शुरू हो जाए। यदि आप चाहते हैं कि आपका मन आत्मिक चीजों से भरा रहे तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि आपको आत्मिक लोगों के साथ संगति करना पड़ेगा, आत्मिक माहौल में आपको रहना पड़ेगा। और ये आपके लिए कठिन नहीं है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अपने काम के साथ साथ आपको आत्मिक माहौल में, आत्मिक संगति में आपको रहना पड़ेगा। और जब आप आत्मिक माहौल में रहेंगे, आपके मन में आत्मिक बातें होंगी, दूसरों को बचाने की बातें आपके मन में आएंगी, दूसरों को पाप से छुड़ाने की मन बातें आपके मन में आएंगी, दूसरों के लिए प्रार्थना करने का मन बातें आपके मन में आएंगी, दूसरों के लिए भलाई करने की बातें आपके मन में आएंगी। लेकिन जब आप क्रूर लोगों के साथ में होंगे, उनको अपना जीवन आप दे देंगे, तो आपके आपके मन में केवल क्रूरता की बातें, व्यभिचार की बातें, नशे की बातें, फिर आप छूटना भी चाहते हैं कि अरे मैं मन से छूट नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूं, मैं प्रार्थना में मन नहीं लगता, मैं क्या करूं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब तक आप ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे आप जय नहीं पा सकते। बाइबिल कहती है नीति वचन में कि जय बहुत सारे मंत्रियों के द्वारा मिलती है, यानी यदि आप किसी लड़ाई को, किसी चीज को आप करना चाहते हैं सक्सेसफुली, तो आपको क्या करना होगा, आपके पास 4-5 काउंसलर होना चाहिए, फिर आप काउंसलिंग लेंगे। जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं अपने पद पर, जो उनको विभाग मिला रहता है, उनके पास कई ऐसे काउंसलर होते हैं, IAS, PCS, कई सारे ऐसे अनुभवशाली लोग होते हैं, अनुभव भरे लोग होते हैं, जो उनको ये चीजें देते रहते हैं कि सर आपको इन चीजों को करना पड़ेगा, आप ये चीजें करिए पहले, तब आप इसे सरलता से कर पाएंगे। तो दूसरा कहेगा हाँ आप इसे इस तरह कर सकते हैं, इस टाइम में करेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, फायदे में इसे काम कर पाएंगे। समझ पा रहे कि नहीं आप? उसी तरह इस जीवन के लिए भी आपके आसपास आत्मिक लोग होने चाहिए। मैं नहीं कहता कि आपके पास, आप संसार के बीच में चले गए तो आपके लिए दिक्कत है, आप संसार वालों के बीच में काम कर रहे हैं तब भी आप वचनों को सुने, आप अपने काम करिए, अपने वचन को बोलिए, प्रार्थना में आप जाइए। मैं कह रहा हूं आपके लिए संभव है, हालेलुया। नहीं तो आपने जो प्रतिष्ठा आपके पास है, जो जो आपने सार्वजनिक प्रतिष्ठा आपने पाई है, जो एक युवा लाइफ की प्रतिष्ठा होती है, आप उसे खो देंगे और अपना जीवन क्रूर जन के हाथ में दे देंगे। सो बी केयरफुल, आपको कैसे जीना है, कितना आपको अपने जीवन को कीमती समझकर जीना है। लापरवाह लोग होते हैं, वे अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, जिनकी चाल चलन निर्बुद्धियों के समान होता है, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि आप बुद्धिमानों के समान चलेंगे। हालेलुया। एक उस जवान को जो पूरी तरीके से बर्बाद के कगार पर है, आप क्यों उसको देखकर उसकी लाइफ को अपने जीवन में कॉपी करते हैं? कोई फायदा नहीं आपका, आप भी तो वहीं जाएंगे। जब आप उसके पीछे जाएंगे तो इसका मतलब जहां वो जा रहा वहां आप जाएंगे, लेकिन आपको ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए, कॉपी करना चाहिए जो मसीह में है और जो एक अच्छे लक्ष्य की ओर जा रहे हैं,
जो वचन के अनुसार है, आमीन। जो वचन के अनुसार नहीं जी रहा है, आप उसके पीछे चल के क्या करेंगे? उसकी कॉपी करके आप कुछ नहीं कर सकते। जो वचन में जी रहा है, जो बुद्धिमानी की चाल चल रहा है, आप उसकी कॉपी करेंगे तो आप, मैं कहता हूं, आप सक्सेस होंगे यीशु के नाम में।